हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है धोती क्रिया एवं उसके लाभ। धोती क्रिया बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है जिसमें धोती क्रिया हम देखेंगे कि ये होता क्या है। तो ये वाला क्रिया जो ये योगा का एक आसन है, इसमें क्या होता है, लगभग 1.25 किलो गुनगुना पानी लेके उसमें लगभग 10 ग्राम नमक मिला दे। पानी को गर्म करे, गुनगुना करे और उसमें 10 ग्राम नमक उसमें मिला दे, मिक्स कर दे। फिर उस पूरे पानी को धीरे धीरे पिए। तत्पश्चात अपने हाथ की तर्जनी और मध्यमा इन दो उंगलियों को जीभ पर रगड़े। ऐसा करने से उल्टी होगी तथा उसके पेट का सारा पानी बाहर निकल आएगा। उक्त क्रिया को 7-8 दिन के अंतर से दोहराना चाहिए। तो ये धोती क्रिया है। धोती क्रिया ये जो योगा का आसन है, ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लाभ है। तो फर्स्ट जो इसका बेनिफिट्स जो है, पेट में स्थित विजातीय तत्व अम्ल और गैस का निष्कासन हो जाता है इस आसन से। नेक्स्ट है अपच, पुराना जुकाम व दमा जैसे रोगों में धोती क्रिया से अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट है खांसी, सिर दर्द, जार, श्वास की अनेक बीमारियाँ ठीक होती है इस क्रिया के करने से। नेक्स्ट है पाचन तंत्र मजबूत व स्वस्थ बनता है। नेक्स्ट है चेहरा तेजमय बनता है तथा चेहरे पर फोड़े फुसियाँ आदि नहीं निकलते। नेक्स्ट है शरीर स्वस्थ व बलवान बनता है। नेक्स्ट है बुद्धि तीव्र बनती है। नेक्स्ट है भूख अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट है बवासीर, भगंदर जैसे गुप्त रोग एवं मानसिक बीमारियों में लाभ होता है। तो गाइस ये धोती क्रिया हुआ है, कोई ये टफ कोई आसन नहीं है। इसे बस आपको पानी गुनगुना करना है और उसमें नमक ऐड करके आपको ये धीरे धीरे पीते रहना है। और ऐसा आप 7 से 8 दिनों में आप करते हैं गैप लेके, तो आपके पेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो विजातीय है, अम्ल है और गैस का जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इस क्रिया से काफ़ी स्ट्रांग होगा, हम काफ़ी हेल्दी रहेंगे और हमें डिफरेंट टाइप्स के जो डिजीज सफ़र करते हैं उससे हम बचे रहेंगे। जैसे हमें कोल्ड है, कफ है, हेडक है या फीवर है या रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम से कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें ये आसन हमें ये हेल्प करता है। और ये आसन करने से हमें गैस का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होता है। फेस भी काफ़ी एक्टिव हो जाती है, काफ़ी ग्लो करता है हमारा फेस, ग्लोइंग स्किन होती है, हमारी जो बॉडी है काफ़ी हेल्दी होती है, काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और जो भूख जिन्हें नहीं लगती है, वो अगर ये आसन करेंगे तो उन्हें भूख ना लगने वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, भूख उन्हें अच्छी लगने लगेगी। बवासीर यानी पाइल्स जो एक बहुत भयानक बीमारी होता है, तो ये सब चीज़ों में भी ये क्रिया हमें हेल्प करती है। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।